दोस्तों एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा, रस्सी जल जाता है लेकिन रस्सी का जो ऐठन होता है वो नहीं जल पाता है। और वही हाल है कुछ लोगों का। कुछ लोगों का कहना है, खेसारी लाल का जो फिल्म आ रहा है रंग दे बसंती, इसका टाइटल जो है देशभक्ति है, लेकिन खेसारी लाल जो है राम भक्ति में लीन हो गए हैं और उसमें केवल राम भक्ति दिखाया गया है। यानी कि खेसारी लाल का जो टीजर रिलीज किया गया है रंग दे बसंती का, वही उसमें कहीं पर भी देशभक्ति सीन नहीं दिखाया गया है, केवल राम भक्ति दिखाया गया है। खेसारी लाल यादव भगवा रंग का ड्रेस पहनकर दुश्मनों का खात्मा कर रहे हैं। यानी कि खेसारी लाल यादव उसमें केवल भक्तिमय लुक में दिखाए गए हैं, बाकी कहीं देशभक्ति नहीं दिखाया गया है। लेकिन जो लोग इस बात को बोल रहे हैं उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा साउथ के फिल्मों में, और अभी के समय में सबसे ज्यादा साउथ के फिल्में चलती है, और साउथ के फिल्में में आप लोगों ने देखा होगा देशभक्ति भी दिखाया जाता है, भक्ति भी दिखाया जाता है, और लव स्टोरी भी दिखाया जाता है। यानी कि सारा चीजों को मिक्स करके फिल्म बनाया जाता है, और इसी वजह से साउथ के फिल्में सबसे ज्यादा चलती है। और वही किया गया है खेसारी लाल के फिल्म रंग दे बसंती में, उसमें देशभक्ति भी दिखाया गया है, भक्ति भी दिखाया गया है, मतलब सारा चीजों को मिक्स करके दिखाया गया है। लेकिन केवल लोगों को लग रहा है कि उसमें केवल भक्ति दिखाया गया है और राम का सहारा लेकर खेसारी लाल यादव फिल्म चलाना चाहते हैं। लेकिन वे लोग एक बार टीजर से पहले एक बार एसआरके म्यूजिक पर टाइटल टीजर यानी कि छोटा सा टीजर एक और रिलीज किया गया था, और उसमें खेसारी लाल का जो फौजी वाला लुक था वो दिखाया गया था, लेकिन वे उन लोगों को दिखाई नहीं दिया। केवल टीजर में जो भक्तिमय खेसारी लाल को दिखाया गया है वे दिखाई दिया है। लेकिन देखिए कोई बात नहीं है, बदनाम करने वाला कभी भी बदनाम करेगा, आप कितना भी अच्छा काम करिएगा कभी भी आपको वो बदनाम करेगा। इसलिए आप लोग ध्यान मत दीजिए, जो खेसारी लाल का फिल्म आने वाला है रंग दे बसंती, उसमें सारा चीजों को आप देखेंगे। अभी टीजर रिलीज होना बाकी है, सॉरी टीजर रिलीज हो गया है, ट्रेलर रिलीज होना बाकी है, और ट्रेलर में सब कुछ दिखाया जाएगा। फौजी वाला लुक भी खेसारी लाल का दिखाया जाएगा और भक्ति वाला लुक भी दिखाया जाएगा, यानी कि ट्रेलर में सब कुछ देखने को मिलेगा। अभी इंतजार करिए, फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।